बच्चों आपके स्क्रीन पर आपके पुस्तक का मुख्य पृष्ठ नज़र आ रहा है। क्लास एट, हम लोगों ने अब तक दो लेसन की पढ़ाई कर ली है, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, महत्वपूर्ण प्रश्न, रिवीजन वर्क, ये सब कुछ हमने कर लिया है। बच्चों आज आपका कक्षा एट का पाठ दो, एक कुत्ता और एक मैना का क्रैश कोर्स जा रहा है। क्रैश कोर्स होता है बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन, और अगर उस पर कुछ प्रश्न ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसका उत्तर भी। मैंने आपके लिए एक कुत्ता और एक मैना से कुछ प्रश्न को चुना है और आपके लिए सेलेक्ट किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बताए जा रहे हैं। अभी यूनिट टेस्ट है तो उसके हिसाब से आपको कुछ पाठ के आधार पर हम लोग प्रश्न उत्तर देते हैं, उसमें से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए भी चयनित किए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है, सुंदर से फेयर कॉपी में लिखना है, याद करना है। और अभी आपको घर में रहना है, सेफ रहना है, दूरी मेंटेन करके रहना है, साफ रहना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, और जब घर में रहेंगे तो आप कितना टीवी देखेंगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ी पढ़ाई की जाए, रिवीजन किया जाए। सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ें और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ें, है ना, और अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करें। ये साल नहीं लेकिन 2021 में तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और तब शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तब आप क्लास 9th के विद्यार्थी हो जाएंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्रैश कोर्स की ओर बढ़ते हैं। आपके पाठ दो का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। इसका संदेश है कि महान लोगों के हृदय भी महान होते हैं। महान लोग कैसे महान लोग, तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जैसे महान लोग जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर एक महान कवि भी थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बच्चों वो एक ऐसे इंसान थे जो जानवरों से इंसानों से ज़्यादा प्यार करते थे, और उनमें जानवरों की एक मौन भाषा को समझने की असीम शक्ति भी थी। एक कुत्ता और एक मैना के द्वारा उन्होंने अपने इस अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। बच्चों अब आपके स्क्रीन पर क्लास एट है, हिंदी लिटरेचर है, क्रैश कोर्स है, पार्ट दो है जिसका नाम है एक कुत्ता और मैना। इसमें बच्चों मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों को चुना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अर्थ आपको लिखना है। प्रगल्भ, अस्तगामी, परितृप्ति, संगहीन। प्रश्न दो में आपको उत्तर देना है, यानी कि शॉर्ट आंसर, एक शब्द में इसका उत्तर आपको देना है। गुरुदेव कौन थे, गुरुदेव ने कहाँ रहने का मन बनाया, उन दिनों गुरुदेव के स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। घ प्रश्न है, कुत्ता किसके पास बैठता था, अंगा है, लेखक ने मैना को कहाँ देखा। प्रश्न तीन है, इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। श्री निकेतन क्या है। दूसरा प्रश्न है, कुत्ते को देखकर गुरुदेव को आश्चर्य क्यों हुआ। तीसरा है, मनुष्य मनुष्य के अंदर कौन सा सत्य नहीं देख पाता। बच्चों प्रश्न चार है, गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाते से कहाँ लाई गई। पांचवा है, लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति कब साकार होती है। प्रश्न चार है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको विस्तार से देना है। विस्तार से देने का मतलब यह है कि थोड़ा लंबा उत्तर देना है, जिसके अंतर्गत मैंने पहला प्रश्न आप लोगों के लिए चुना है, गुरुदेव कुत्ते की स्वामी भक्ति का वर्णन किस तरह करते हैं। कुत्ता तथा मैना पर रचित गुरुदेव की कविताओं का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट का अर्थ होता है उसके अर्थ को लिखिए। बच्चों पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हैं उसका वाक्य बनाना है। स्तब्ध, छिन्नवायु, प्रगल्भ, अस्तगामी, इसका अर्थ बगल में आप लिखेंगे और तब उसका वाक्य में परिवर्तित करेंगे। प्रश्न छह है, आपको वचन में बदलना, यानी कि एक वचन है तो बहुवचन में करना है। मंजिल, भाषा, कविता, आंख। प्रश्न सात है, संधि विच्छेद कीजिए। तीन मंजिला, अस्तगामी, वाक्यहीन, प्राणी लोक, प्राणपण। प्रश्न आठ है,
इनका दूसरा प्रचलित रूप लिखना है। जैसे गर्म है तो गर्म यानी ऊपर रेफ लग जाता है, सर्दी दुकान गर्दन। प्रश्न 9 है भाववाचक संज्ञा बनाना है, मुस्कराना, जीना, दर्शन, अच्छा और गुरु, इसे आपको भाववाचक संज्ञा में बदल देना है। प्रश्न 10 है इन शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए, मुहावरा का क्या अर्थ होता है, कुर्सी का क्या अर्थ होता है, ब्रह्म का क्या अर्थ होता है और साफ का क्या अर्थ होता है, उसके बाद इसे वाक्य में परिवर्तित करना है। प्रश्न है क्या आप कुत्ते के कोई विशेष गुण बता सकते हैं, ये प्रश्न है जिसका उत्तर भी मैंने आपके लिए लिखा है। गुरुदेव के अनुसार कुत्ता भाषाहीन प्राणी होते हुए भी अपनी संवेदना अपने मालिक के प्रति रखता है। जब गुरुदेव ने श्री निकेतन में रहने का फैसला किया तो उसका कुत्ता बगैर बताए उनके पास पहुंच गया। वह गुरुदेव के पैरों के पास चुपचाप बैठा रहता था, यहाँ तक कि जब गुरुदेव की मृत्यु हुई तो वो चुपचाप उनकी अस्थि कलश को निहार रहा था। ये उस कुत्ते का की अपने मालिक के प्रति संवेदना की असीम सीमा थी। दूसरा प्रश्न मैंने आपके लिए चुना है, यदि आप गुरुदेव के स्थान पर होते तो मैना की व्यथा को किस प्रकार वर्णित करते। उत्तर है इस संस्मरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखने वाले थे, वे प्रकृति के छाँव में रहते थे, मैना, कौवा, कुत्ता ये सभी उनके आसपास ही रहते थे। गुरुदेव की पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जग जाहिर थी। जब उन्होंने देखा कि मैना एक पैर पर चल रही तो उन्होंने उसे भी गौर से देखा और उसकी व्यथा को लेखक से कहा। बच्चों कुछ छोटे प्रश्न मैंने आपके लिए चुना है और जिसका उत्तर भी मैंने लिखा है। इस संस्मरण यदि आप गुरुदेव के स्थान पर होते तो मैना की व्यथा किस प्रकार वर्णित करते। संस्मरण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। कुछ संक्षिप्त प्रश्न मैंने आपके लिए चयन किया है। इस संस्मरण के लेखक कौन है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी को लिखा है। गुरुदेव दर्शनार्थी किसे कहकर संबोधित करते थे, इसका उत्तर है लेखक को। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए कहाँ रहने जाने वाले थे, तो श्री निकेतन में। बच्चों ये आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।